गुजरात में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी आलाकमान ने भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगाई है, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया विधानसभा सीट के विधायक हैं और पाटीदार समुदाय से आते हैं। खबर गांधीनगर से है, जहां विधायक दल की बैठक में नाम की मुहर लग गई है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया विधानसभा सीट से विधायक हैं और पाटीदार समुदाय से आते हैं। विधायक दल की बैठक की जा रही है, जहां पाटीदार समुदाय से आते हैं ये भूपेंद्र पटेल। घाटलोदिया सीट से विधायक रह चुके हैं भूपेंद्र पटेल और भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते आज भूपेंद्र पटेल को और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि तो गौरव, ये बताइए कि अभी जो भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, अमित शाह का 2 दिन पहले गुजरात का दौरा था और दौरे के दौरान ये मालूम पड़ने लगा था कि गुजरात में कुछ ना कुछ होने वाला है, और जो जैसा माना था वैसा भी हुआ भी। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। भाई, भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा आज विधायक दल की बैठक के बाद हुई है, जिसको मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रहलाद जोशी द्वारा नेतृत्व किया गया था। बात करते हैं अगर भूपेंद्र पटेल की, भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज से आते हैं और 2017 से विधायक हैं। भाई, उस सीट पर जो कि अहमदाबाद जिले की घाटलोदिया सीट है, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबाल पटेल की सीट मानी जाती है। अच्छा गौरव, ये बताइए कि क्या ये पाटीदार समुदाय को लुभाने के लिए इस तरीके से भूपेंद्र पटेल को लिया गया है? बिल्कुल श्रोता, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में पाटीदार समाज और पाटीदार आंदोलन और कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी के लिए एक अच्छी खासी समस्या खड़ी कर दी थी, जिसको देखते हुए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में पाटीदार समाज को एक संदेश देने के लिए और समाज में बीजेपी की आवाज़ को पहुँचाने के लिए ये कदम उठाया गया है, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस सीएम पद की दावेदारी के लिए कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल थे, जिसमें उनको ना लेके एक छोटे नेता भूपेंद्र पटेल को इस तरीके से सीएम पद का दिया गया है, तो इसमें क्या बीजेपी की रणनीति क्या कही जा सकती है, किस तरीके की बीजेपी की रणनीति को देखा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा श्वेता, इनका नाम कहीं भी रेस में नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि भूपेंद्र पटेल भी हो सकते हैं, पर पहली बार 2017 में विधायक रहे। वह सीट जिस पर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पाटिल की सीट थी, उस पर आपका जीते हैं, विधायक बने हैं, उसके बाद अब सीधे मुख्यमंत्री पद की आपको शपथ दिलाई जाएगी। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि जिस तरह से जाति समीकरण गुजरात में पाटीदार समाज के आंदोलन के बाद और कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के बाद पैदा हुए थे, उन समीकरणों को साधने के लिए भी और पाटीदार समाज में जो कि अच्छी खासी भव्यतायित संख्या में है गुजरात में, उसको साधने के लिए और उनकी जनता को अपनी आवाज पहुँचाने के लिए बीजेपी का बहुत बड़ा कदम ये माना जा रहा है। गौरव, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से जैसे एक साल के बाद एक गुजरात में चुनाव होने की बात हो रही है, और आपको बता दें कि कैसे, मतलब जैसे अभी हाल ही में सीएम को हटाना और नए सीएम को लेके आना, इसमें क्या कहा जा सकता है, मतलब किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। अभी आपने देखा होगा विगत 6 महीने में उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ रावत, अब पुष्कर सिंह धामी, और अब उसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर बी एस येदियुरप्पा ने भी हाल में इस्तीफा दिया है। तो नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, बीजेपी में
इस समय जो संगठन का फेरबदल भी चल रहा है, नेतृत्व भी चेंज किए जा रहे हैं, बैठक भी लगातार चल रही है, तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव को देखते हुए, वो खास तौर से 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भी पार्टी यानी बड़े फेरबदल कर रही है और नया नेतृत्व और जाति समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एक छोटे नेता को एक सीएम पद पे दावेदारी दी जा रही है, सीएम पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो इस पे क्या आप, क्या आंतरिक कलह इसके चलते आंतरिक कलह इसमें सामने आएगा, या फिर बीजेपी ने जो निर्णय लिया है उस पे सभी पार्टी के लोग उस पे अपनी वाहवाही देंगे? देखिए, बीजेपी जो भी निर्णय लेती है और उनके नेता उनको निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं। पहले भी विजय रूपाणी का एक बयान आया था कि पार्टी संगठन उनको जो भी जिम्मेदारी देगा उसको निभाएंगे, और सत्ता परिवर्तन के बाद भी और नेतृत्व परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई जगह पर इस तरह से फैसले बीजेपी लेती है और लेती आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जिस तरीके से गांधीनगर में भूपेन पटेल के गुजरात के नए सीएम होने की खबर चल रही है, और भूपेन पटेल अगले दिन कल सीएम के लिए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। भूपेन पटेल के नाम पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पर भूपेन पटेल को घटलोदिया विधानसभा सीट से विधायक है और पाटीदार समुदाय से आते हैं, जिनको सीएम के लिए नियुक्त किया गया है।